और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है कि खार्किव में रूसी सेना के जबरदस्त हमले लगातार जारी हैं। अटैक हेलीकॉप्टर KA-52 से हमला कर रहा है रूस। यूक्रेनी सेना के हथियार भंडारों को निशाना बनाया जा रहा है। यूक्रेन की सेना भी लेकिन दे रही है रूसी हमलों का जवाब। रूस लगातार टारगेटेड हमले कर रहा है उन जगहों पर जहां पर हथियार इकट्ठा किए गए हैं यूक्रेन की तरफ से, वो जगह जहां हथियार रखे गए हैं, जहां पर सेना की तैनाती है, जो अहम है स्ट्रेटेजिक लिहाज से इस युद्ध में यूक्रेन के लिए, उन ठिकानों को निशाना बना रहा है रूस। और खार्किव में भी ऐसा ही किया गया है। बताया ये जा रहा है कि अटैक हेलीकॉप्टर KA-52 से हमला किया गया। ये लगातार हमले जो रूस की तरफ से हो रहे हैं, चाहे ओडेसा या खार्किव में हो, उनमें लगातार कोशिश यही है कि यूक्रेन के लिए वो जगहें जो रणनीतिक लिहाज से अहमियत रखती हैं उन्हें निशाना बनाया जाए। लेकिन आपको बताते हैं कि दरअसल हो क्या रहा है। 24 फरवरी को जो युद्ध शुरू हुआ था, यूक्रेन युद्ध, उसको आज 67 दिन हो गए हैं। रूस पर प्रेशर बनाने के लिए अमेरिका और नाटो देशों ने कई तरह के प्रतिबंध लगा रखे हैं। रूस पर भारी भरकम आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए हैं, लेकिन इन प्रतिबंधों का रूस पर ज्यादा असर नहीं दिख रहा है। पुतिन की सरपरस्ती में रूस ने पश्चिम देशों के आर्थिक प्रतिबंधों को दरअसल बेअसर कर दिया है। 24 फरवरी को आपको बताते हैं कि दरअसल हम ये क्यों कह रहे हैं कि कैसे बेअसर किया है। 24 फरवरी को जब अमेरिका और पश्चिम के देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगाए थे, तब शुरुआती कुछ दिनों में ही रूसी करेंसी रूबल की वैल्यू 20% तक गिर गई थी। 1 अप्रैल के बाद से रूबल की वैल्यू में लेकिन जबरदस्त सुधार हुआ है और अब रूबल डॉलर और यूरो को जबरदस्त टक्कर दे रहा है। डॉलर के मुकाबले रूबल पिछले 4 महीने की सबसे मजबूत स्थिति में है और 67 दिन हो चुके हैं युद्ध के, यानी युद्ध के दौरान लगातार रूबल की जो स्थिति है वो बेहतर हुई है। यूरो के मुकाबले रूबल ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है। यूरो के मुकाबले रूबल करीब 2 साल के हाई लेवल पर पहुंच चुका है। दुनिया भर के आर्थिक एक्सपर्ट्स इस बात से हैरान हैं कि इतने सख्त प्रतिबंधों के बावजूद रूसी अर्थव्यवस्था पर उतना गहरा असर नहीं दिख रहा है जैसी पश्चिमी मुल्कों को उम्मीद थी कि प्रतिबंध के बाद होगा। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं, उनसे इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि दरअसल क्या है पुतिन की वॉर स्ट्रैटेजी, कैसे पुतिन ने रूबल को इस मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया, क्या तैयारियां की गई थी युद्ध से पहले और कैसे उन तैयारियों का असर क्या ये दिख रहा है। इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर कपिल कुमार जो इतिहासकार हैं, उनसे बात करेंगे। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड अश्विनी सिवाच मौजूद हैं, डिफेंस एक्सपर्ट, बहुत स्वागत है आपका सर। हमारे साथ सुरेश कुमार गोयल जी मौजूद हैं, पूर्व राजनयिक हैं, उनसे हम बात करेंगे। लेकिन साथ ही हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अमन अग्रवाल, डायरेक्टर है IIF से, हमारे साथ जुड़े हैं। आपसे भी सर जानना चाहेंगे कि दरअसल क्या है ये पूरा जो वॉर स्ट्रैटेजी है, क्या है ये वॉर स्ट्रैटेजी। हमारे साथ मौजूद हैं यहीं पर अमन और अश्विनी शिवाजी। सर आप मेरे साथ यहां इस तरफ भी आ सकते हैं, आप वॉल की तरफ भी। ये अश्विनी शिवाजी, लगातार कहा जा रहा था कि पुतिन ने तैयारी की है और 2 साल से तैयारी दरअसल कर रहा था रूस और पुतिन, तो क्या ये उस तैयारी का असर है कि हम ये देख रहे हैं कि उस तरह का असर अर्थव्यवस्था पर नहीं दिख रहा है जैसा लग रहा था प्रतिबंधों के बाद होगा? हाँ बिल्कुल सुमेरा, इसमें कोई शक नहीं। ऐसा लगता था जिस प्रकार से अमेरिका और नाटो ने सैंक्शन लगाई थी तो उसका इम्पैक्ट होना चाहिए था रूस पे। मुझे लगता है 2-3 बातें हैं। एक तो ये भी है कि जो रूस की एक्सपोर्ट है, एक तो ऑयल और गैस है और दूसरा है मिलिट्री हार्डवेयर। जो ऑयल और गैस 40% और 33% ऑयल वो देता है यूरोप को, तो उसने भी अपनी स्ट्रैटेजी बड़ी अच्छी बनाई थी। अगर आप मेरे से ऑयल लेंगे तो मैं रूबल में पेमेंट लूंगा, और कहीं ना कहीं बल्गेरिया पोलैंड को उसने देने से मना कर दिया। आज उसकी मोनोपली है, क्योंकि पता है यूरोप को गैस और ऑयल नहीं मिली तो उनका बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए एक रीजन ये है। दूसरा रीजन मुझे ये लगता है कि जिस प्रकार से चीन साथ दे रहा है और भारत ने भी साथ दिया है, क्योंकि हमने भी वहां से लिया है $5.4 बिलियन का था, हमने 1 पेमेंट की है, बाकी पेमेंट जो 4 इंस्टॉलमेंट की है वो हम भी रूबल में दे रहे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।